स्वागत और अभिनंदन। आज इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को एक ऐसी जानकारी मिलेगा जिसको जानने के पश्चात आप कहेंगे ये तो अफीम का बाप है। कुछ लोग वीर्य स्तंभक के रूप में अफीम का सेवन करते हैं, लेकिन निश्चित रूप से अफीम हानिकारक एक तत्व है और जो व्यक्ति को धीरे धीरे नपुंसक और नामर्द बना देता है, दिमाग को पंगु कर देता है, मस्तिष्क व्यक्ति का कमजोर हो जाता है अफीम के लेने से, वो तो एक दुर्व्यसन में आता है। हालांकि वो स्तंभक है, लेकिन बहुत ज़्यादा उसके घातक परिणाम हो सकते हैं। लेकिन आज मैं ये जो बताने जा रहा हूँ, तूफानी फल, इस तूफानी फल को लेने से बच्चों का दिमाग भी तेज हो सकता है। जो मंदबुद्धि बालक और बालिकाएं हैं, निश्चित रूप से उनका ब्रेन डेवलप हो सकता है। जिनकी याददाश्त कमज़ोर हो रही है उम्र बढ़ने की वजह से, या बीमारी की वजह से, या कमजोरी की वजह से, स्मरण शक्ति की दुर्बलता और जो एकाग्रता जिनकी कम हो रही है, वो सब दूर हो जाएगी, दिक्कत दूर हो जाएगा। साथ में जो लोग पढ़ाई करते हैं, कंप्यूटर पे काम करते हैं, जिनकी नज़र कमज़ोर हो रही है, सिर में दर्द हो रहा है, तो ऐसे लोगों को भी लाभ मिल सकता है। इसके लिए आप लेंगे, कैसे लेंगे ये हम बताएंगे। इसके बड़े चमत्कारी फायदे और टोटका हैं। सबसे पहले तो मैं बता दूं, इसका एक नाम जाति फल भी है। जाति फल के नाम से भी आप गूगल करेंगे तो बहुत सारे लाभ मिल जाएंगे। हालांकि ये स्पेशल एक कामोद्दीपक है, इसलिए मैंने इसका नाम तूफानी फल रखा है, जाति फल से हटा करके। नो प्रॉब्लम। यदि किसी के खोपड़े में दर्द हो रहा है तो इसको घिस करके हल्दी के पाउडर के साथ में इसको घिस करके खोपड़ी पे लेप कर लीजिए, आपको अनिद्रा में बड़ा लाभ मिलेगा। यदि किसी व्यक्ति को ठंड लग रहा है तो जाति फल का चूर्ण आधे से एक ग्राम शहद के साथ सुबह नाश्ता के बाद में, शहद के साथ में सुबह नाश्ता के बाद आप चाट लीजिए और ऊपर से आधे घंटे तक कुछ खाएं पिए नहीं, फिर देखें चमत्कार। ये वो बातें बता रहा हूँ जो खुद प्रयोग करके देखी हैं और पिछले 10 से 15 साल लगातार अप्लाई करते हुए हो गया लोगों के ऊपर। जिन लोगों को खांसी है, वायरल है, इन्फेक्शन है, वो सब लोग इसको ले सकते हैं। जो तीसरी लहर की या चौथी लहर की बात कर रहे हैं, है ना, वायरस की लहर आएगी, ये आएगा, लोड़ आएगा, लहसुन आएगा, कुछ नहीं, उन सब को ख़त्म कर सकता है ये अकेला जाति फल। आप जो हैं रात्रि में यदि सेक्स करने से एक घंटे पहले यदि इसको आप चाट लेते हैं और अपनी औरत को भी चटा देते हैं तो काफ़ी लाभ मिलेंगे। चौंकाने वाले फायदे इसके आपको देखने को मिलेंगे जब आप सेक्स करने के लिए अप्लाई करेंगे इसके लिए, तो क्योंकि सभी लोग तूफानी चूर्ण नहीं खरीद सकते हैं, तो ऐसे छोटे छोटे हम विकल्प दे रहे हैं ताकि गरीबों का भला हो और जो कंजूस हैं, जो करोड़ों अरबों की दौलत अपनी औलाद को छोड़ के मरना चाहते हैं और वो कहते हैं दमड़ी चमड़ी चली जाए लेकिन दमड़ी ना जाए, ये हमारे यहाँ कहावत है। कुछ लोग जो ऐसे फार्मूलों से लाभ लेना चाहते हैं, और मेरा भी उद्देश्य है कि 70% आप अपना उपचार अपने घर पर बैठ के कर सकें। निश्चित रूप से आपको करना ही चाहिए ताकि आपकी दौलत बचे, सेहत बचे और आपकी आस्था भी बचे, शरीर खोखला ना हो। एलोपैथी शरीर को खोखला कर देती है। इसके अतिरिक्त यदि जो स्त्री पुरुष इस जाति फल के को पत्थर पर घिस करके यदि अपने योनि और लिंग पर लगाते हैं, आगे की कैप को छोड़ के, इनसाइड बेजीना पे नहीं लगाना, बाहर से यदि लगाते हैं तो बड़ा खिंचाव हो जाता है, खाल को बड़ा
अच्छा कर देता है ये झुर्रियाँ पड़ रही। आप चेहरे पर भी इसको लगा सकते हैं लेकिन उचित मात्रा में नहीं, तो ये जलन भी डाल सकता है। इसके साथ कई चीज़ों का मिश्रण करना होगा आपके लिए, जैसे कि सफ़ेद चंदन है, मुल्तानी मिट्टी है, बेसन है, ये सब चीज़ें फिर लगाइए। इतनी अपनी छाती पर भी लगा सकते हैं जिससे उनकी छातियाँ जो हैं टाइट और सुडौल हो जाएंगी। आदमी अपने लिंग पे लगाए तो उसका लिंग भी बड़ा सुडौल और सुदृढ़ हो जाएगा। समझ रहे ना आप लोग मैं क्या कहना चाहता हूँ। इसके अतिरिक्त एक बहुत बड़ा एक तांत्रिक फायदा इसका एक बताया गया है कि जो जाति फल के माला को पहनता है एक अपनी राशि धारण करने वाले की राशि से जब नवम स्थान में या फिर छठे एकादश या तृतीय स्थान में जब चंद्रमा की स्थिति हो और जो क्रूर ग्रह हैं वह छठे ग्यारहवें में स्थित हो और ऐसे समय में ऐसी लग्न में जो धारण करता है इस माला के लिए, तो उसका पागलपन भी दूर हो सकता है। जो उन्माद को प्राप्त हो रहे हैं, जो तनाव को प्राप्त हो रहे हैं ज़्यादा काम करने की वजह से, ज़्यादा सेक्स करने की वजह से, ज़्यादा आपाधापी करने की वजह से, नींद नहीं आ रही है, थकान आ रही है, सुस्ती आ रही है, वो लोग जो पागलपन जिनके अंदर स्टार्ट होने जा रहा है, जो फर्स्ट स्टेज में है पागलपन के, ऐसे लोगों को यह सही घड़ी मुहूर्त में यदि आप माला पहनवा दीजिए तो ऐसा महान पुरुषों का दावा है, अनुभव है, पागलपन दूर हो जाएगा। चाहे वो स्त्री हो महिला हो, जिन महिलाओं को हिस्टीरिया के जो दौरे पड़ते हैं उनको भी ये पहनाया जा सकता है। माइग्रेन की प्रॉब्लम से जो जूझ रही हैं स्त्रियां या पुरुष, उनको भी ये लाभ करेगा। लेकिन कुछ परहेज है, मांसाहार का सर्वथा त्याग करना पड़ेगा। जो उत्तेजक पदार्थ है, बीड़ी है, सिगरेट है, सुल्फा है, गांजा है, शराब है, मांस मछली अंडा, ये सब चीज़ों का आपको परित्याग करना पड़ेगा यदि आप पूर्ण तरह से लाभान्वित होना चाहते हैं तो। ठीक है, इसके अतिरिक्त जिनके ऊपर किसी ने कुछ करा धरा है वो भी इस तरह की माला को धारण करने से उनकी बुद्धि में शांति और स्थिरता की प्राप्ति हो सकती है। आप अप्लाई करके देख लीजिए, क्योंकि इसमें कोई मैं मूल्य तो आपसे ले नहीं रहा हूं, आपके लिए तो एक निःशुल्क आपकी सेवा के लिए शिक्षा दे रहा हूँ, आप अप्लाई करिए। अब आप कहेंगे कितने दानों की माला हो, कैसे बनेगी, ये आपको किसी जानकार से आपको अपने अनुभव और दूसरों के अनुभव को जोड़ करके करना पड़ेगा। समझ रहे हैं ना आप लोग कि हम क्या कहना चाहते हैं। इसके साथ ही जो लोग व्यापार में लाभ बढ़ाना चाहते हैं वो लोग भी इस माला को धारण कर सकते हैं, या फिर इसका तिलक रोली के साथ में इसका तिलक मिला करके इसको घिस कर अपना तिलक लगाइए मस्तक पे, इससे लक्ष्मी की भी वृद्धि होगी और यह भूमिपुत्र जो मंगल है उसका प्रभाव, जो निगेटिव प्रभाव है उसको भी ये शांत करेगा। ऐसे कई सारे ये लाभ हैं। एक बात और, इसकी मात्रा ज़्यादा मत लेना, ये मादक होता है। इसको खाने के बाद कम से कम 3 घंटे तक फोर व्हीलर नहीं चलाना चाहिए, चलाओ तो इसको कम मात्रा में लेना चाहिए, ऐसा मेरा निर्देश है, सावधानी बताई गई है। ठीक है, अति सेवन करने से आपको एलर्जी हो सकती है, खुजली हो सकती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। ठीक है, इसलिए जानकारी आप किसी उचित अच्छे चिकित्सक, अच्छे जानकार, अनुभवी से इसके जानकारी लें। और वैसे तो मैंने मात्रा बताई दी है, 0.5 ग्राम से ज़्यादा ना लें, 1 ग्राम से ऊपर ना हो। जो 60 साल से ऊपर हैं वो 1 ग्राम ले सकते हैं, जो 40 साल से ऊपर हैं वो 0.5 ग्राम ले सकते हैं, जो इससे नीचे हैं अपना जैसा हो आप खा के देखिए, खुद आप महसूस करेंगे। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि सबका भला हो। समझ रहे हैं ना, जिन औरतों की यूट्रस में प्रॉब्लम है उसको भी ये दूर करता, अंदर की सूजन, और ये ठंड तो लगने ही नहीं देता है आपको, मैं बता रहा हूँ अनुभव की बातें। आप जाड़े में भी ऐसे बैठ जाएंगे हथियार की तरह, एक नंगे हथियार की तरह आप बैठ जाएंगे,
कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। समझ रहे हैं ना, माताएं बहने लें कंठ सुरीले बनेगा, मदमस्त हो जाएंगे आप, हार्ट कोलेस्ट्रॉल वगैरह सब के लिए कंट्रोल करेगा, और जो बिजिनल रूट है उसको ये शुद्ध करता है, अंदर के जो मासिक धर्म है उससे जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स हैं उनको भी ये शांत करता है, कंट्रोल करता है। आप लेके देखिए, फिर देखिए चमत्कार, यह भूख प्यास को अच्छा करता है, लीवर को बेहतर बनाता है, लीवर में इन्फेक्शन हो, कैंसर, इन सब सारी चीज़ों को, किडनी को भी फिल्टर करने में मदद करता है। आप एक बार लेके शुरू तो करो 8 दिन, फिर कहना गुरुदेव आपने क्या फंडा बताया, क्योंकि अफीम का बाप है। अफीम तो साला नुकसान देता है, हानिकारक है, वो तो उसमें आता है, क्या बोलते हैं उसके, ड्रग्स में आता है, पुलिस भी उठा के अंदर बंद कर देगी। ये देसी ये चीज लीजिए, फिर देखो अपने बच्चों को खिलाओ, अपनी पत्नी को खिलाओ, और रात भर फिर धमाल मचाओ अपनी पत्नी जी के साथ, पार्टनर के साथ, फिर वो भी दुआ देंगी, जंगली महाराज की जय, जंगली महाराज की जय। ओम शांति ओम क्रांति। चैनल को सब्सक्राइब करें ना करें, लेकिन वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, क्योंकि सबके भलाई में ही हमारी आपकी भलाई है।